अगर इस चीज़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों का कितना वक्त बर्बाद होता है, टाइम वेस्ट होता है, और लोग अपना वक्त खुद ही बर्बाद करते हैं, खुद ही इस तरीके की चीज़ें करते हैं कि उनका वक्त बर्बाद होता है। अगर आदमी बेवकूफ़ हो तो वो दुनिया में सर्वाइव भी नहीं कर सकता, नहायत ही बेवकूफ़ हो तो उसके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। अब हम सब लोगों ने बाइक स्टार्ट कर ली है, गाड़ी है वो भी स्टार्ट कर ली, अब देखते हैं कि कितना समय लगता है इन गाड़ियों को निकलने में। फाटक खुल चुकी है और सब एक दूसरे में मर्ज होने की कोशिश कर रहे हैं, और इस मर्ज में कहीं आपका साइड भी लगती है, चक्कर भी लगती है, कई सारी चीज़ें होती है। अभी देखिए राइट साइड से जो है ये लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत है क्योंकि राइट साइड में जगह नहीं है, इस वजह से इनको दिक्कत हो रही है। मैं तो अपनी गाड़ी या अपनी बाइक या स्कूटी जो है वो इस ओमनी वैन के पीछे लगा ली है, सुजुकी ओमनी वैन जो पहले चलती थी, काफ़ी प्रचलित थी। और राइट साइड में देखिए राइट साइड में क्या है, राइट साइड में उधर से आने वाला जो ट्रैफिक है उसके लिए बहुत कम रास्ता बचा हुआ है, जिसकी वजह से उसको दिक्कत हो रही है। इधर से जाने वाले लोग उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज अ सिचुएशन, दिस इज अ सीन जो कि आपको यहाँ पे दिखता है, बराई फाटक पे देखने को मिलता है। तो अब इसमें गलती किसकी है, किसी को टक्कर लगती है, चोट लगती है, तो उससे नुकसान किसका होता है? और अगर फाटक खाली है, क्रॉसिंग खाली है, तो उसमें ट्रैफिक को निकलने में इतनी दिक्कत क्यों आती है? दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि हम लोगों ने इधर उधर से फंस के जाम लगा दिया है, और उस जाम की वजह से हमें रास्ता नहीं मिलता है, और फिर हम लोग ही परेशान होते हैं, खुद भी परेशान होते हैं, दूसरे को भी परेशान होते हैं। ये बात मैंने लगभग वीडियो में कही है, क्योंकि सिचुएशन तो ऐसी है भैया। अब देखिए इतनी मुश्किलों की बात, ये बाइक थी तो निकली, कार या ट्रक या टेम्पो है तो उसके लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी सिचुएशन। अभी मुझे जो लाइब्रेरी अपनी खोलनी है, ओपन करनी है, उसके लिए मैं लेट हुआ हूँ, और इस ट्रैफिक जैम की वजह से और लेट हो गया। तो ये ऐसा ही है, इंडिया है तो भाई ये चीज़ें तो लाजमी है, इन चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इन चीज़ों के साथ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास उन लोगों से या इन चीज़ों से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, कोई ख़ास ठोस रास्ता नहीं है। और जब हमारे पास ख़ास ठोस रास्ता नहीं होता है तो दिक्कत तो होती है भैया। मैं तो जब वीडियो बनती है तो बोलता ही रहता हूँ, लगातार बोलता ही रहते हैं, क्योंकि बोलने के लिए है अपने पास माल मसाला, यानी कंटेंट जो है वो पर्याप्त रहता है, क्योंकि कोई चीज़ आपके अंदर है तो उसको पैदा करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही हो जाती है। पैदा करने की ज़रूरत उनको होती है जिनके पास नहीं है, मतलब आपके पास अनाज नहीं होगा तो या तो आप खरीदोगे या उसको उगाओगे। आपके पास अनाज पर्याप्त होगा तो फिर आप क्यों उगाओगे, क्यों खरीदोगे? तो देखिए तेजाब और फिनाइल इस तरीके से बिक रहा है, फिनाइल चलो ठीक है, लेकिन तेजाब भी बिक रहा है, हालांकि बैन लग चुका है इस तेजाब पे। और दिस इज इंडियन रोड, इंडियन मार्केट, और वहां पे ये है रोड। और ये लोग हैं रोड पे चलने वाले। ये माइक भी टेस्टिंग कर रहा हूँ भाई, साथ साथ में अगर माइक अपने को मिल जाता है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ये माइक और माइक के साथ साथ हमारा वीडियोग्राफी का भी काम हो रहा है, मैं ट्रैवलिंग वीडियो बना रहा हूँ, और इस ट्रैवलिंग की वीडियो में देखता हूँ कि अगर इस लोगों के काम की कोई चीज़ निकल आती है तो मेरे लिए ये वीडियो बनाना सफल होगा। तो ट्रैवलिंग वीडियो
अच्छा ट्रैवल बाई मैक्स व्यास ये चैनल है और इसको अगर आप सब्सक्राइब करते हैं जिसको और भी ट्रैवलिंग की वीडियो जो आपको ट्रैफिक जाम और इस तरीके की चीज़ें अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है या फिर कुछ गलत हो रहा है, जैसे उस दिन हमारे पास स्कूटी पे जो महिला थी वो राइट तरफ टर्न कर रही थी सीधे हाथ में दाहिने हाथ में, लेकिन उन्होंने इंडिकेटर लेफ्ट हैंड का दे रखा था। तो इस तरीके की जो बेवकूफाना जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश करते हैं कि आपको आपकी तरह की वीडियोस बनाने का हमारे पास वक्त हो, समय हो और आपकी इच्छा को पूरा किया जाए। तो ट्रैवलिंग लवर्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अब मेरे ख्याल से लगभग कोई भी चीज़ डाल लीजिए कि नेचर बाय मैक्स व्यास, एनिमल बाय मैक्स व्यास, तो आपको कुछ ना कुछ चैनल तो मिल ही जाएंगे, कुछ ऐसे चैनल मिल जाएंगे जो कि आपको इस तरह की चीज़ें सर्व करेंगे। क्योंकि तो मेरा मन है कि मेरे पास जो स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस और जो इच्छाएं हैं, जो मेरी अपनी लाइकिंग है, उससे रिलेटेड कंटेंट या वीडियो जो है आपको मिलते रहे। वीडियो में मेरा ज़्यादा फोकस है क्योंकि फोटोज़ का बड़ा लंबा जोड़ा हिसाब होता है, डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं होता, उसमें सिर्फ एक फ़ोटो होती है, कुछ एक केस को आप उजागर कर सकते हैं, एक चीज़ के बारे में आप दिखा सकते हैं। तो आज रोड खाली है, हालांकि आज छोटी दिवाली है, लेकिन रोड पे चहल पहल नहीं क्योंकि अभी सुबह के 8 बजे हैं और सुबह के 8 बजे इतनी ज़्यादा चहल पहल नहीं होती है। देखिए सामने सांड महाराज, नंदी महाराज, बैल जी, जो भी कह लीजिए, सबके लिए परिभाषाएं अलग होती हैं, सबके हिसाब से सच्चाई अलग होती है, सबके हिसाब से चीज़ें अलग होती हैं, उनको देखने का नज़रिया होता है। छोटी दिवाली है फिर भी हम अपनी लाइब्रेरी को खोलने जा रहे हैं। अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि उनको उन त्योहारों से मतलब नहीं होता, वो फिर भी आना चाहते, पढ़ना चाहते हैं। अभी देखिए बच्चे किस तरीके से शोर करते हुए दरवाजे खोलते हुए। और ये हम आ चुके हैं अपनी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में हम अपना गेट खोलेंगे, अपना नहीं मतलब लाइब्रेरी का, ये लगाई चाबी, ये खुला गेट मतलब लाइब्रेरी का गेट। अंधेरा है काफ़ी, अब हम इन्वर्टर को चलाएंगे, इन्वर्टर चला दी लाइट आ जाएगी, लाइट आएगी तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखेगा। ये हमारा ऑफिस है और लेट्स सी अगर ऑफिस भी आप देख पाए तो ये है हमारा ऑफिस टेबल एंड दिस इज द एरिया जहाँ पे किताबें रखी हुई हैं और ये सारी चीज़ें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।